क्या हो गया तुम दोनों को? समीर भाई सीरियसली एलोवेरा दूधी करेला क्या घर पे तो कभी नहीं पीते आप ये सब कुछ, और तुझे इतनी भूख कैसे लग गई? ऐसे तो कभी नहीं खाती। अरे वो मैं कृतिका ऑफिस इतना थोड़ा खाएंगे, ये तो इसलिए किया था कि फैमिलीज क्लोज हो जाए, सास बहू में तो बातें हो जाए, समझ रही हो ना? हाँ क्यों नहीं, ये सब तो कृतिका अच्छे से समझती, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कृतिका कि तुम्हें किचन में जाकर अपनी सास का हाथ बटाना चाहिए। अगर शादी से पहले सास को अपना दोस्त बना लो ना, तो उम्र भर दोस्ती रहती है दोनों के बीच। हाँ भाभी ये बहुत अच्छी बात बताई है आपने, मैं उनकी हेल्प करके आती हूँ। ठीक है, बिहेव योरसेल्फ। अरे ये बहुत सही हो गया। आंटी जी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। मैं नहीं बेटा, तू क्यों आ गई? मैं कर लूंगी। मुझे पता है आंटी जी आप कर लेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपकी हेल्प करूंगी। ये ले जी, तू प्याज काट दे फटाफट। सासू माँ किचन में, ससुर जी मार्केट में, और अक्षय का कमरा यहीं पे। दी अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो ना जल्दी चलते हैं, हमारा रास्ता साफ है। समीर ऐसा करो तुम हॉल में रहो, यहीं पर देखो क्या पता यहीं कुछ मिल जाए। सृष्टि और मैं अक्षय के कमरे में देखते हैं, और हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अक्षय का शावर खत्म होने से पहले ही हमको सब जगह देखना होगा, और अगर कोई हमारे बारे में पूछे तो कह देना कि घर घूम रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, ओके ओके, चल पड़े फिर। ओके प्रीता है कि नहीं? मैंने पहले उसके रूम में देखा, फिर पूरे घर में देखा, वो कहीं पे नहीं है। परफेक्ट, मतलब हमारा प्लान वर्क कर गया। एग्जैक्टली, कही होगी वो अक्षय के खिलाफ कुछ करने, आई एम श्योर। फिर से मुंह की खाएगी। लेकिन अगर मैं होती ना प्रीता की जगह, और करीना आंटी मुझे इतना सुनाती ना, मैं ये सब कुछ छोड़ देती। मुझे क्या फर्क पड़ता अक्षय अच्छा लड़का है बुरा लड़का है? अजीब है प्रीता। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, करीना वो आपको, कृतिका वो, किसी को भी नहीं, बट प्रीता को बहुत फर्क पड़ता है। देख रहा, वो जो करने गई ना, उसकी वजह से वो ही प्रॉब्लम में फंस जाएगी, क्योंकि हर एक इंसान अक्षय की बात पर विश्वास करेगा, प्रीता की नहीं।